देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। हेलो नमस्ते, मैं हूं वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं फिट तक। योगा हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी बहुत सुकून पहुंचाता है। आज के इस योगा सीक्वेंस में हम करेंगे कामिंग योगा। सबसे पहले अपने पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रख के खड़े हो जाएंगे। हाथों को एकदम रिलैक्स करके हथेलियां आपकी थाइस की तरफ, इनहेल करके रोल योर शोल्डर्स ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड एक्सहेल करके पीछे एंड धीरे से नीचे। विल डू इट कपल ऑफ टाइम्स। इनहेल एंड एक्सहेल। वन मोर टाइम। इनहेल अप एंड एक्सहेल। विल रिवर्स इट, पीछे ऊपर आगे और नीचे। विल डू इट टू मोर टाइम्स। गो एज स्लो एज यू फील लाइक। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। एक्सहेल करके जो आपका लेफ्ट एल्बो है उसको मोड़ेंगे। आपके लेफ्ट हथेली है वो आपकी पीठ की तरफ और राइट पाम से अपनी एल्बो को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। विल स्टे हियर फॉर कपल ऑफ ब्रेथ्स। चेंज करेंगे साइड। इस बार जो आपका लेफ्ट एल्बो है उसको बेंड करेंगे और जो आपका ब्रेथ है उसको सिंक्रोनाइज करेंगे आपके मूवमेंट के साथ में। कोई फोर्सफुल मूवमेंट नहीं करना है, जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत पीछे नहीं ले जा सकते, इट्स फाइन टू कीप इट हियर एंड रिलैक्स। ताड़ासना करेंगे। इनहेल, आपके आर्म्स को इंटरलेस करेंगे आपके उंगलियों को जस्ट अबव योर क्राउन चक्रा। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड गो ऑन योर टोज। एक्सहेल स्लोली डाउन। वन मोर टाइम। इनहेल करते हुए हाथ, और अगर आपको लगता है कि आप टोज पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप जमीन पर रख सकते हैं अपने दोनों फीट को भी। इनहेल। इस बार मैं अपने एड़ियों को ऊपर की तरफ नहीं उठा रही हूँ एंड जस्ट स्टे। और जो आपके शोल्डर्स हैं उनको रिलैक्स करके रखना है, अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ नहीं खींचना है। इनहेल अगेन। एक्सहेल, आपके पाम्स को वापस लेकर आएंगे। इनहेल वन मोर टाइम एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स योर आर्म्स। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आपको फॉरवर्ड फोल्ड में जाना है। उत्तानासना के लिए बहुत फोर्स नहीं करना है। वी कैन स्टे इन रगडॉल। आई विल शो यू हाउ वी विल डू दिस। यू कैन कम अलोंग। इनहेल, सॉफ्ट करेंगे आपके नीज को थोड़ा सा एंड एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे फॉरवर्ड। मेक श्योर कि आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहे, आपका मेरुदंड को एकदम सीधा करके रखना है एंड धीरे धीरे लूज कर देंगे आपके आर्म्स को जमीन की तरफ एंड ड्रॉप योर हेड ऑल्सो। कोशिश करेंगे अगर आपके नीज को आप स्ट्रेट कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए यू कैन गो डीपर। इनहेल, कम हाफ वे अप। सॉफ्ट करेंगे आपके नीज को वापस से। एक्सहेल, गो बैक इन रगडॉल। इस बार जो आपके अपोजिट एल्बोज हैं आपको उनको पकड़ना है एंड देन यू हैव टू मूव साइड टू साइड। रिलैक्स योर पाम्स, कम हाफ वे अप। आपके पाम्स को अच्छे से जमीन पर आपके मैट के ऊपर प्लेस कर देना है। यहाँ से हम जाएंगे अधोमुख स्वानासना में। आपके जो पैर हैं वो एक एक करके आप पीछे की तरफ लेकर जाएंगे एंड देन शिफ्ट योर बॉडी वेट इक्वली। धीरे धीरे अपने एक हील को जमीन की तरफ प्रेस करेंगे और एक हील को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जो हील उठेगा वो घुटना भी आपका बैंड रहेगा। विल डू दिस मूवमेंट कपल ऑफ टाइम्स।
आपका जो बैक ऑफ द लेग है, आपके हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स, उनको रिलीज करने के लिए। ब्रेथ का ध्यान रखिएगा, हर मोमेंट के साथ आपको सिंक्रोनाइज करना है। एंड देन कीप बोथ ऑफ योर हील्स डाउन ऑन द फ्लोर, जिस तरह से हमने फॉरवर्ड फोल्ड में, रग डॉल में, अपर बॉडी को साइड टू साइड लेकर गए थे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में ओनली योर हिप मूवमेंट साइड टू साइड। यू कैन रेज अ लिटिल बिट ऑफ योर हील ऑल्सो। दोनों पाम्स को अच्छे से प्रेस करके रखना है जमीन पर। स्लोली बैंड योर नीज और जमीन पर रख देंगे आपके दोनों घुटनों को, और जो आपके पैरों की अंगूठे हैं वो दोनों एक दूसरे से टच करेंगे। हाथों को राइट अंडर, जो आपकी रिस्ट है वो राइट अंडर योर शोल्डर्स। इनहेल करते हुए आपका स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, हिप लाइन अप एंड चिन अप। एक्सहेल करते हुए रोल योर पेल्विक इन, स्टमक को अंदर की तरफ खींचेंगे, पीठ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे सीलिंग की तरफ, और चिन को चेस्ट की तरफ टक कर देंगे। इनहेल, इनहेल करके न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे, और आपके जो घुटने हैं उन दोनों के बीच में आपके मैट के जितना गैप रखेंगे। हाथों को अभी आपके रिस्ट जो शोल्डर्स के सीध में थे उनको आगे की तरफ रख देंगे अब आपके जो रिस्ट हैं, और धीरे से एक्सहेल करते हुए हिप लाइन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, और आपके हील्स के बीच का जो एरिया है उसमें बैठ जाएंगे। एंड देन जस्ट रिलैक्स। इस आसन में आपको 5 ब्रेथ तक रुकना है एटलीस्ट, और आप ज़्यादा भी रुक सकते हैं, बट मेक श्योर जब आप ज़मीन की तरफ जा रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से ना जाएं। यू हैव टू, एक्चुअली ये एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज है, तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका ये बॉडी का हिस्सा है, उसको खींच करके रखना है आपको सामने की तरफ, एंड देन रिलैक्स योर हेड, और आपका जो ब्रेथ है उसको नॉर्मल रखना है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से फॉरवर्ड फोल्ड में अपना सर जमीन पर नहीं रख सकते हैं, देन यू कैन यूज अ ब्लॉक ऑल्सो। आपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसकी हाइट चूज कर सकते हैं, इधर यू कैन कीप इट हियर और यहाँ पर, या फिर इस तरह से रख सकते हैं। यू नीड टू कंप्लीटली रिलैक्स इन दिस पोस्चर। And then slowly roll up, inhale करते हुए हम twist करेंगे, so आपका जो left palm है उसको right घुटने के बाहर रखेंगे and just twist. Other side. Inhale, exhale करते हुए right की तरफ twist करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड। इनहेल कम टू द सेंटर, दोनों नीज को नजदीक लेकर आएंगे एंड देन जस्ट लाई डाउन ऑन योर बैक। इनहेल करके अपने दोनों नीज को साथ में लाएंगे, और यहीं से हम विपरीत करनी में जाएंगे, तो रिलैक्स योर पाम्स ऑन द मैट और आपके नीज को स्ट्रेट करेंगे, और लेग्स को ऊपर की तरफ यानी सीलिंग की तरफ स्ट्रेट करना है। अगर आप चाहें तो वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, यानी कि अपने दोनों पैरों को वॉल पर इस तरह से टिका के रख सकते हैं। यहाँ हम स्टे करेंगे फॉर कपल ऑफ ब्रेथ एंड देन बैंड योर नीज। 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपने पैरों के साथ में, और
अपने हाथों को रखना है साइडवेज कंधे की सीध में। एक्सहेल करते हुए दोनों नीज को ड्रॉप करेंगे राइट साइड, और अगर चाहें तो आप लेफ्ट साइड की तरफ देख सकते हैं, यानी कि अपोजिट साइड। इनहेल, लिफ्ट योर बोथ द नीज अप, और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में ड्रॉप करना है और देखना है राइट की तरफ। इनहेल लिफ्ट अप, और एक्सहेल करके अपने दोनों पंजों को जमीन पर रख देंगे। और अब हम इक्वल ब्रीदिंग करेंगे, एंड यहाँ से हम जाएंगे शवासना की तरफ। तो आपके नीज को इसी तरह बैंड रखना है, राइट जो पाम है आपका उसको अपने पेट पर रखना है। इनहेल फॉर फोर, एक्सहेल फॉर फोर। अगर चाहें तो आपका लेफ्ट पाम आपके हार्ट सेंटर पे भी रख सकते हैं। इनहेल, इस तरह से आप जितना चाहें उतनी देर के लिए इक्वल ब्रीदिंग में रुक सकते हैं। एंड स्लोली स्लोली आपके दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ, आपकी जो पाम्स हैं हथेलियां हैं उनको सीलिंग की तरफ रखेंगे, और पैरों को वन बाय वन शवासना में स्ट्रेट करेंगे। एंड लाई डाउन इन शवासना फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। रिलैक्स योर फीट कम्प्लीटली, उनको बाहर की तरफ ड्रॉप होने दीजिए। आपका स्पाइनल कॉर्ड इज रिलैक्सिंग ऑन द फ्लोर। फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड जस्ट लेट गो ऑफ एनी टेंशन। आप इस कामिंग योगा सीक्वेंस को दिन में, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एम्प्टी स्टमक कंडीशन आपने मेंटेन करनी है, यानी कि अगर आपने खाना खाया है और योगा प्रैक्टिस करनी है तो उसके बीच में एटलीस्ट 3 से 3.5 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। आप इनमें से सभी योगासना में 5 से और उससे ज़्यादा चाहे जितनी भी ब्रेथ के लिए रुक सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी आसन के दौरान किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो यू कैन रिलीज दैट पर्टिकुलर आसना। और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए फिट। नमस्ते।